नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। ऊर्जा मंत्री से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की वार्ता विफल होने के बाद बिजली कर्मियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत कई शहरों में बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला, साथ ही बिजली कर्मचारियों ने कार बहिष्कार करने की बात कही है। और वहीं 16 मार्च की रात से बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिजली कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं उन्होंने मशाल निकाला है। वहीं दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मशाल निकाली है। बता दें, मशाल जुलूस निकालकर अपनी बातों को रख रहे हैं बिजली कर्मी। जगह जगह की आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे, उन्होंने बात कहा है। बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें, ऊर्जा मंत्री से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की वार्ता विफल होने के बाद बिजली कर्मियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत कई शहरों में बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला है, साथ ही बिजली कर्मियों ने कार बहिष्कार करने की बात कही है। और वहीं 16 मार्च की रात से बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी शामिल हुए हैं और मशाल जुलूस में हिस्सा लिए हैं और अपनी मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया है। बता दें, ऊर्जा मंत्री से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की वार्ता हुई थी जो विफल रही, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके तहत कई शहरों में बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला है। तस्वीरें आप पहली तस्वीर औरैया से देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर से है, जहां बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला है। बता दें, साथ ही बिजली कर्मियों ने कार बहिष्कार करने की बात भी कही है और 16 मार्च की रात से बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। औरैया से हमारे संवाददाता जाहिद अख्तर हमसे जुड़ेंगे और सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव का रुख करूंगी। आशुतोष, विद्युत कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं, उन्होंने मशाल जुलूस निकाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये बिजली संविदा कर्मी द्वारा जो है मशाल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका यह कहना था, कुछ हमारी मांगे हैं उसको अगर पूरी नहीं की जाएंगी फिर हम आगे भी अपना जो है 72 घंटे से भी ज्यादा हम अपना धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। और क्या क्या मांगे हैं इनकी और क्या समस्या है, और हमारे बीच बिजली के विभाग के जो है स्टाफ है मौजूद, हम उनसे बात करेंगे क्या मांगे हैं और किस तरह की समस्या पूरी आ रही है। मेरा नाम जेपी सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का नियुक्त पंचायत संघ का जिला उपाध्यक्ष। कैसा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, मशाल जुलूस निकाल के क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, ये संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारी से लेकर के नियमित कर्मचारी तक लोग जो है सम्मिलित हैं। और ये उत्तर प्रदेश लेवल पे चल रहा है, जिसमें 3 दिसंबर 2022 को पूर्व में भी जो है संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा बैठक की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी और अविनाश अवस्थी जी प्रमुख सचिव द्वारा जो है ये सांत्वना दी गई थी कि आपकी समस्त मांगों को जो है 15 दिनों में पूरा किया जाएगा। लेकिन 3 माह भी जाने के बाद भी आज तक किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया गया, और जिसके चलते आज पुनः जो है संयुक्त संघर्ष समिति जो है बैनर तले अपने जो है धरने पर बैठी है। और कल हम लोगों ने इसीलिए मशाल जुलूस निकाला था
और कल से जो है 72 घंटे तक अनिश्चितकालीन हड़ताल भी रहेंगे। मांगे क्या है आपकी? मांगे हमारी ये है कि पहले तो निजीकरण समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमित रूप से नियमित किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करते हैं? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अभी तो हम लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को कि हम 72 घंटे जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और आने वाले समय में जो संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अन्य पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जिस तरह इनका ये कहना हो रहा है अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो 72 घंटे का हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही साथ भी और भी बड़ा प्रदर्शन हम कर सकते हैं। ये सरकार को इस कदम को बारे में जो है सोचना चाहिए क्या है इनकी मांगे और क्या। आऊंगी फिर से आऊंगी। हमारे साथ औरैया से जाहिद अख्तर हमसे जुड़े हुए हैं। जाहिद, औरैया में भी बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला है, क्या कुछ उनके मांगी रही है? निकाला जिसमें 14 सूत्री मांगों को किया गया जी। इसके अलावा उन्होंने 3 दिसंबर 2022 में ऊर्जा मंत्री को लिखित शिकायत दी थी, इसको उनको मंजूर भी कर लिया था। उन मांगों को पूरी न कर पाने के कारण आज विद्युत विभाग द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर मिसाल जुलूस बड़ी संख्या में निकाला गया, जहाँ पर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। वही पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी जाहिद, हम आशुतोष का रुख करेंगे सुल्तानपुर से। आशुतोष, ऊर्जा मंत्री से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई जो विफल रही? इनका ये कहना हो रहा है बता दें बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला है। ऊर्जा मंत्री से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की आप देख